हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। सो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं बहुत सारी चेंजेस हो रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का जमना। इन ट्रांसफॉर्मेशंस को भी हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, कैसे होते हैं? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से डिफरेंट एटम्स के बीच में, यही हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल के मीडियम से समझ लेंगे। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर के बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास ये दो एटम्स हैं, इन दो एटम्स से हमारा कंपाउंड बना ए बी, ए प्लस बी से कंपाउंड बन रहा है ए बी। मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, यहाँ पर हो रहा है मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और यहाँ पर हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसी तरह से ये फोर टाइप्स के जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्टली इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हम रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि इन रिएक्शंस में गैस निकल रही है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। सेकेंडली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाता है। रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट टू फॉर्म येल्लो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। इस रिएक्शन में येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, कलर उसका होगा येल्लो और बनेगा वो लेड आयोडाइड का। रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, इसमें बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, या तो उसमें हीट वो ऑब्जर्व करता है या फिर वो हीट बाहर देता है। तो इसमें दो रिएक्शंस होती हैं जब चेंज टेम्परेचर में होता है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट ऑब्जर्व होती हैं। इसमें यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है इसका। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें उनकी स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले हमने वो रिएक्शन करी वैक्स तो वो सॉलिड फॉर्म में थी, जब उसे हमने बर्न किया तो वो लिक्विड फॉर्म में बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बाहर आ गई। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर जो है उसमें कलर में चेंज हो जाता है कुछ रिएक्शंस में। जैसे कि सिट्रिक एसिड को हमने रिएक्शन कराई पोटेशियम परमैंगनेट से, पर्पल कलर में था जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, उसका कलर बाद में डिसअपीयर हो गया। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कराई हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से, सो उसका कलर ऑरेंज से येलो में चेंज हो गया। अब देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और ये क्या होती हैं। सो जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हुई उनको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं, यही हमारी केमिकल इक्वेशंस हो जाती हैं। रिएक्शंस को
फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। जैसे कि ये वाली इक्वेशन Cu plus S gives CuS, यहाँ पर भी Cu 1 है और यहाँ पर भी ये 1 ही है, S भी 1 है, यहाँ पर S भी 1 है। सो अब बैलेंस करने की नीड क्यों हुई ये हम आगे देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल। ये वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। कैसे नहीं है बैलेंस्ड? Na plus Cl2 gives NaCl, Na plus Cl gives NaCl, Na plus Cl2। तो Cl के यहाँ पर 2 हैं मॉलिक्यूल्स जबकि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है। अब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। वो हम बैलेंस क्यों करते हैं इसके लिए देख लेते हैं ये हमारी स्लाइड। तो सबसे पहले जो है ये माना गया था कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत सारे एटम्स मिल करके एक मैटर को फॉर्म करते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी हमारी चीज़ें आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर एंटोनी लेवसियर ने 1789 में डिस्कवरी करी कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मास ऑफ एनी वन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन विल इक्वल टू द मास ऑफ दैट एलिमेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। यानी कि उस समय एंटोनी लेवसियर ने केमिकल कॉम्बिनेशंस के दो लॉ दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज। ये ही हम फॉलो करते हैं केमिकल इक्वेशंस में। इसके लिए हमें नीड हुई कि केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, नोटिस दैट देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम ऑन द बोथ साइड। बोथ साइड हमारे बैलेंस हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द टोटल मास एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से और समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू। ये है हमारे रिएक्टेंट्स और ये है हमारा प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और फिर बनता है हमारा प्रोडक्ट। ये तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से H के यहाँ पर 2 हैं, O के 2 हैं, H के यहाँ पर 2 हैं पर O का एक ही मॉलिक्यूल है, इसे हमें 2 बनाना होगा। तो इसको 2 हम कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे। अब हमने आगे 2 लगाया तो इस O के तो 2 बन गए, लेकिन H के यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गए हैं। अब यहाँ पर H के सिर्फ 2 हैं तो हम यहाँ पर आगे 2 ऐड ऑन कर देंगे। अब ये 2 2 जा 4, H के 4 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट एंड O का 2 कंप्लीट, यहाँ पर O का 2। अब ये बैलेंस्ड हो जाएगी इस रूल के हिसाब से। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।